जैसे कि फर्स्ट वन, आप इसको वाई मान लो, इसको जेड मान लो, तो क्वेश्चन क्या बन गया? डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू जेड। ओके, लेट वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 + x² का रूट ओवर -1/x एंड जेड इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। तो आपका क्वेश्चन बन गया फाइंड डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू जेड। तो क्वेश्चन क्या बना? डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू जेड का मतलब क्या होता है, क्या निकालना है आपको? डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू जेड, इसका मतलब क्या निकालना है आपको, क्या फाइंड आउट करना है? डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है? डी आई बाई डी एक्स होता है। इधर आपको डी आई बाई डी जेड निकालना है। क्वेश्चन हो गया कि फाइंड आउट डी आई बाई डी जेड। इसका दो तरीके होता है, वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स, जेड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ एक्स। फर्स्ट मेथड आप कर सकते हो फाइंड आउट डी आई बाई डी एक्स, देन फाइंड आउट डी जेड बाई डी एक्स। तो डी आई बाई डी जेड क्या होगा? इज इक्वल टू डी आई बाई डी एक्स अपॉन डी जेड बाई डी एक्स, ऐसे निकाल सकते हो। सेकेंड मेथड क्या होता है? ट्राई टू एक्सप्रेस वाई इन टर्म्स ऑफ जेड। आप वाई इन टर्म्स ऑफ जेड एक्सप्रेस कर पाओगे जो दो दिया गया, तो आप इजीली डी आई बाई डी जेड निकल पाओगे। तो इफ यू राइट वाई इन टर्म्स ऑफ फंक्शन ऑफ जेड, तो डी आई बाई डी जेड आपको इजीली मिल जाएगा। विथ रेस्पेक्ट टू जेड आप डिफरेंशिएट करोगे। ठीक फॉर दिस क्वेश्चन मैं वो ट्राई कर रहा हूँ कि वाई इन टर्म्स ऑफ जेड कैसे निकालते हैं। इंडिविजुअल तो आप निकाल सकते हो थोड़ा बहुत, मैं ट्राई सेकेंड मेथड यूज कर रहा हूँ। वाई दिया गया टेन इनवर्स अंडर रूट 1 + x² - 1/ एंड जेड दिया गया टेन इनवर्स एक्स। इम्प्लाइज क्या मिलेगा? एक्स क्या होगा? टेन जेड। तो एक्स की जगह आप टेन जेड डाल सकते हो आगे। नाउ यूज एक्स इक्वल टू टेन जेड, दिस बिकेम टेन इनवर्स ऑफ 1 + x की जगह 10² z, इसका स्क्वायर रूट -1/tan z, करेक्ट? तो क्या बन गया? टेन इनवर्स ये हो जाएगा 6² θ, sec z -1/tan z। इसको साइन बाई कॉस कर दो, गेट टेन इनवर्स sec z को आप लिख सकते हो sin 1/cos z -1/sin z/cos z, विच इज टेन इनवर्स 1 - cos x/sin x होगा। cos z कैंसिल होगा, नॉट एक्स जेड एक्चुअली। इज 1 - cos θ / sin θ,
इज वन माइनस कॉस थीटा और कॉस टू थीटा अपॉन साइन टू थीटा। देखो विदाउट ट्रिगो आप कैलकुलस पार्ट कर नहीं पाओगे। अब देखो फंक्शन से लेके लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियल सब में आपका ट्रिगो ही यूज हो रहा है, इंटीग्रेशन में भी ट्रिगो होगा। वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन साइन टू थीटा फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टू थीटा के जगह जेड, तो ये होगा टेन जेड अपॉन टू। अब टेन टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, जेड बाय टू होगा। तो आपको मिला वाई इज इक्वल टू जेड अपॉन टू, तो डी बाई डी जेड क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू जेड, मैंने डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो ये वन बाई टू हो गया। दिस इज द आंसर। समझा कैसे हुआ? रेड ऑन। डन। बाकी ऐसे टाइप का क्वेश्चन हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ऐसे भी क्वेश्चन आप किए होंगे पहले, मतलब क्वाड्रेटिक में किए होंगे। तो y गिवन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ इनसाइड, ओके अप टू इनफिनिट नंबर ऑफ टर्म्स। तो y स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको क्या लिखोगे, ये क्या होगा,
इफ दिस पार्ट इज दट वाई तो ये क्या होगा? वो भी वाई होगा क्योंकि इन्फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म से एक टर्म कम हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, लिमिटेड मतलब फाइनाइट टर्म होगा तो एक कम करने से फर्क पड़ता है। वाई यू कैन राइट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई, इसके जगह मैंने वाई लिख दिया। और स्क्वायर स्क्वायरिंग बोथ दिस साइड देन वाई स्क्वायर बिकम एक्स प्लस वाई। अब डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स और वाई, जो भी कर सकते हो आप चलेगा। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो क्या मिलेगा, वाई करोगे तो क्या मिलेगा, देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूं तो वाई स्क्वायर का डिफरेंस बोथ दिस साइड्स है, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2y di by dx, x का डेरिवेटिव 1 होगा, y का डेरिवेटिव di by dx होगा। मुझे di by dx चाहिए तो di by dx को एक साथ ले रहा हूँ तो यू गेट 2y माइनस 1 इंटू di by dx इज इक्वल टू 1, इंप्लाइज di by dx क्या मिला 1 अपॉन 2y माइनस 1। नहीं, आप डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू वाई करोगे तब क्या होगा, वही वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2y और डी बाई डी एक्स नहीं होगा, यहाँ पे dx बाई डी वाई होगा। तो 2y di by dy 1, x का डेरिवेटिव होगा dx by dy, y का डेरिवेटिव होगा 1, तो dx by dy क्या मिला 2y minus 1। मुझे di by dx चाहिए तो di by dx क्या होगा 1 upon 2y minus 1, आंसर सेम रहेगा। इन दिस वे यू कैन सॉल्व right on this one. Now find out this three.
क्या आंसर लिखे है? सेक्स स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय टू आई माइनस होल डिवाइडेड बाय यस
डन। एनीथिंग एल्स? वही करते हैं कि लेट अस टेक y इज इक्वल टू से इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1, z को ले रहा हूं अंडर रूट 1 प्लस 3x। ये पूछ रहा है कि एट x इक्वल टू 1 बाई 3 पर वो उसका आंसर क्या होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप x इक्वल टू 1 बाई 3 डाल दोगे तो फिर कांस्टेंट दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं फर्स्ट केस यूज कर रहा हूँ, फर्स्ट मेथड यूज कर रहा हूँ। तो dy बाई dx निकालेंगे, इसमें dz बाई dx निकालेंगे और फाइंड करेंगे dy बाई dz इज इक्वल टू एट x इक्वल टू 1/3। तो at x equal to 1/3 का मतलब होता है हम डिफरेंशिएट करेंगे फिर x के जगह 1/3 डालेंगे। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? sec इनवर्स का डेरिवेटिव क्या था? क्या था? डेरिवेटिव ऑफ sec इनवर्स x क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला भी याद नहीं तो क्या करो? 1 अपॉन मॉड x इंटू एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये होगा 1 अपॉन मॉड x, मॉड x मतलब 2x² - 1 का मॉड इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, 2x² - 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू इसका डेरिवेटिव, 2x² - 1 का डेरिवेटिव, ठीक है। दिस इज द dy बाय dx। मुझे dy बाय dx एट x इक्वल टू पाई 1/3 चाहिए तो डालो, अभी x के जगह 1/3 डाल दो, 1 अपॉन 2 इन ये क्या हो गया 2/9 - 1 -7/9। -7/9 का मॉडुलस क्या होगा? +7/9। 2x² - 1 का होल स्क्वायर, 2x² कितना आया? बट यहाँ पे नेगेटिव नहीं आएगा, अच्छा सॉरी ये x² + 1 नॉट -1 नहीं ना, नहीं x² - 1 होता है। तो 2x² कितना आ जाएगा? 2/9 - 1 7/9। 7/9 का स्क्वायर तो नेगेटिव, फिर माइनस वन करेंगे तो नेगेटिव आएगा। स्क्वायर रूट था क्या? नहीं ना, स्क्वायर रूट नहीं था। sec इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा? तो आपका x हो गया sec y, डिफरेंशिएट करो
वन इज इक्वल टू sec थीटा का डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ sec थीटा क्या है? sec थीटा इंटू tan थीटा इंटू डी बाय डी एक्स, डी बाय डी एक्स होगा वन अपॉन थीटा इंटू टेन थीटा, स्क्वायर रूट होगा फिर क्वेश्चन गलत हो गया। sec theta को मैंने sec y डिज वन अपॉन sec y को आप लिख सकते हो, x tan y को लिख सकते हो sec square y minus वन, करेक्ट है। एक मिनट में क्वेश्चन चेक करता हूं। तो फिर आपको आंसर कैसे मिला? तो ये 1/3 हो नहीं पाएगा ना, तो कुंज आपको कैसे आंसर कैसे मिला? -8/√2 कैसे मिला? एक्स इक्वल टू कॉस थीटा लिए, ओके तो कॉस टू थीटा हो गया, सेक टू थीटा हो गया, टू थीटा हुआ, ओके अच्छा टू थीटा होगा, टू थीटा हुआ तो मतलब आप लिखे टू एक्स को आप रखे कॉस थीटा, थीटा हुआ टू कॉस इनवर्स एक्स, वन बाय थ्री, वन बाय थ्री का रेंज का अंदर आ रहा है, तो मैं कहीं पे मिस्टेक किया क्या? एक्स का वैल्यू 1/3 हम ले सकते हैं और sec इनवर्स का रेंज होता है, एक मिनट, टू कस टू बाय नाइन माइनस वन कितना हुआ? -7/9 सेकेंड बर्स 9/7 माइनस डाइजन सेकेंड क्वार्टर,
1/3 सेटिस्फाई तो हो रहा है, बट फॉर्मूले में क्यों ये क्यों नेगेटिव जा रहा है? अच्छा, गॉट इट। ये 1/(x) की जगह 1/(this)
डन फोर्थ वन ये वाई होगा तो ये भी वाई होगा दैट इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू टैन एक्स प्लस वाई इसका स्क्वायर रूट मतलब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टैन एक्स प्लस वाई। अब डिफरेंशिएट करो तो वाई स्क्वायर प्लस वाई बिकम टैन एक्स डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 2y डी आई बाई डी एक्स जैसे लास्ट टाइम हुआ था तो ये हो जाएगा 2y प्लस 1 इंटू डी आई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स देन डी आई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन 2y प्लस 1 2y माइनस 1 This is minus y, correct. Okay. Next. तो ये वाई होगा तो इधर ये भी वाई होगा दैट मीन्स वाई इज इक्वल टू एक्स रेस टू वाई। कभी वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल रहता है हम क्या करते हैं लॉग यूज करते हैं ओके दैट इम्प्लाइज एल एन वाई इज इक्वल टू एल एन ऑफ एक्स टू दी पावर वाई दिस वन यू कैन राइट वाई एल एन एक्स। अब डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू एक्स एल एन वाई का डेरिवेटिव वन बाय वाई इंटू डी आई बाई डी एक्स वाई एल एन एक्स का डेरिवेटिव वाई इंटू एल एन एक्स का डेरिवेटिव वन बाय एक्स प्लस एल एन एक्स इंटू वाई का डेरिवेटिव डी आई बाई डी एक्स। मुझे डी आई बाई डी एक्स चाहिए डी आई बाई डी एक्स टेक कॉमन वन बाई वाई माइनस एल एन एक्स इंटू डी आई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स दैट इम्प्लाइज वन माइनस वाई एल एन एक्स अपॉन वाई into di by dx is equal to y upon x. So di by dx क्या होगा y square upon x into 1 minus y ln x और y square देखो y ln x के जगह भी आप ln y लिख सकते हो तो आपका आंसर ये फॉर्मेट में भी आ सकता है x into 1 minus ln y using different format में आंसर आ सकता है this one correct ये भी correct ये भी correct समझा
solve this.
हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ओके, इज इट 1 - x² / 1 - y² कि उल्टा?
क्या किए? आप एक्स को साइन थीटा, वाई को सॉरी एक्स को साइन ए, वाई को साइन बी ले सकते हो। लेट ठीक है, एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा एंड वाई इज इक्वल टू साइन बीटा, दैट इम्प्लाइज एक्स अपॉन क्वेश्चन तो एक्स अपॉन वन माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन। इसको सिंप्लीफाई मत करो, सिंप्लीफाई करोगे तो लेंदी हो जाएगा। अदर सब्सटीट्यूशन डालो, ये होगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू वन, इम्प्लाइज साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू वन, देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू होगा, और जो भी कोई एंगल होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर अल्फा की जगह क्या लिख सकते हो? साइन इनवर्स एक्स, दैट इम्प्लाइज साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बिकम पाई बाई टू, और आप लिख सकते हो 2n पाई प्लस पाई बाई टू भी लिख सकते हो। ओके, बट बोथ आर कांस्टेंट तो डेरिवेटिव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि राइट साइड जीरो होगा ही होगा। और आप ऐसे भी कर सकते हो, एक्स इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर गिवन वन, use sin inverse both the sides, that implies sin inverse of x into under root 1 minus y square plus y into under root 1 minus x square is equal to sin inverse 1. And ye kiska formula? This is the formula of sin inverse x plus sin inverse y is equal to sin inverse 1. Sin inverse 1 ka value pi by 2 hota hai. ये भी कर सकते हो, और डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके, आप ये मेथड करो कि ये मेथड करो, तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स वाई का डेरिवेटिव 1 upon under root 1 minus y square into di by dx equal to 0. Implies what? 1 upon under root 1 minus y square di by dx is equal to minus 1 upon under root 1 minus x square. Di by dx kya hoga? Minus of under root 1 minus y square upon under root 1 minus x. इसलिए मैं बोल रहा था कि आपका आंसर उल्टा की है सही, क्योंकि आपका x x square ऊपर आ रहा है y square नीचे आ रहा है, इधर उल्टा हो रहा है। We can write minus of square root of 1 minus y square upon 1 minus x. इधर क्वेश्चन प्रूफ दैट दिया गया, ऐसे जैसे किए ना लास्ट क्वेश्चन ऐसे ही रखो। लेट
एक्स पावर सिक्स दिया जाएगा तो एक्स क्यूब को रखो, लेट एक्स क्यूब आज साइन स्क्वायर अल्फा एंड वाई क्यूब आज साइन स्क्वायर बीटा, नो एक्स क्यूब आज साइन अल्फा मतलब सो दैट एक्स स्क्वायर एक्स पावर सिक्स क्या होगा आपका साइन स्क्वायर अल्फा होगा एंड वाई क्यूब आज साइन स्क्वायर बीटा, साइन बीटा नॉट साइन स्क्वायर बीटा। आपका क्वेश्चन क्या बन गया, दैट मींस ये 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू ए क्यूब इंटू साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, एम आई करेक्ट? तो ये आपका हो जाएगा कॉस अल्फा, एक्चुअली मॉड कॉस अल्फा होता है बट कोई डोमेन पार्ट ऐसा कुछ नहीं है तो कॉस अल्फा होगा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू ए क्यूब आपका साइन अल्फा माइनस, अब इसमें डालो कॉस सी प्लस कॉस डी कितना आएगा, कितना 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2 is equal to a cube sin c minus sin d, 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2 right, 2 कैंसिल, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कैंसिल कर पाओगे क्या, क्यों ये नॉन जीरो होगा, नहीं कॉमन ले लो, दैट मीन्स कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कॉमन, देन यू हैव कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2 माइनस a cube sin alpha minus beta by 2 equal to 0. That implies cos of alpha plus beta by 2 0 hoga or cos by sin kar denge to cot of alpha minus beta by 2 aapka a cube hoga. आपका अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कॉस थीटा 0 और पाई बाय 2 2n प्लस 1 इनटू पाई बाय 2 2 कैंसिल हो गया तो अल्फा प्लस बीटा इधर 2n प्लस 1 इनटू पाई, बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं डेरिवेटिव यूज करूंगा okay. और यहाँ पे आपको मिलेगा अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 cot इनवर्स ए क्यूब, इधर अल्फा अल्फा होगा साइन इनवर्स एक्स क्यूब वाई, बीटा होगा साइन इनवर्स वाई क्यूब, दैट इंप्लाइज साइन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस साइन इनवर्स वाई क्यूब बिकेम कॉन्स्टेंट and here sin inverse x cube minus sin inverse y cube is a constant, another constant, matlab kuch le lo, isko dalenge दोनों आ सकते हैं क्या,
ये शायद इसके साथ जाएगा, ये नहीं होगा, इसमें माइनस आ जाएगा। साइन इनवर्स एक्स क्यू क्या होगा? साइन इनवर्स डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ दी साइड्स। साइन इनवर्स एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, मतलब ये एक्स क्यूब का स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर रूट इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस y क्यूब का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ y क्यूब बिकम 0। p का डेरिवेटिव 0 होगा क्योंकि कॉन्स्टेंट। दैट इंप्लाइज 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x टू द पावर 6, और ये आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस y पावर 6 इंटू 3y स्क्वायर dy/dx बिकम 0। इंप्लाइज एक 3 3 कैंसिल हो गया, dy/dx क्या हो जाएगा? ये राइट साइड जाएगा, ये प्लस होगा, ये ऊपर चला जाएगा, 1 माइनस y रेस टू 6 अपॉन 1 माइनस x टू द पावर 6, इसका स्क्वायर रूट इनटू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ये आ रहा है। आ गया और इसके साथ जाओगे क्या होगा, ये प्लस, ये माइनस की जगह प्लस होगा तो माइनस में आंसर आएगा। बट आपको प्रूफ करना था तो प्रूफ कर सकते। एक मिनट, ए क्यूब नेगेटिव हो सकता है, कुछ पता नहीं। ये साइड आपका पॉजिटिव, ए वैल्यू पॉजिटिव होगा, बता नहीं पा गया। इसके साथ जाओगे तो फिर आपका ये दो कंडीशन मिल रहा है, आप इधर कैंसिल कर दोगे तो आपको ये आंसर फिर दिखता दिखेगा। बट हम कैंसिल करने के लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा कि नॉन जीरो। बट नॉन जीरो क्यों होगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं, जीरो भी हो सकता है। राइट डाउन,
डन। How to simplify this type of question? Five times of f of x plus three times of f of 1 by x equal to x plus 2. If y is equal to x into f of x, then dy by dx at x equal to 4. ऐसे type का question हम किए थे function में हुआ था ऐसे type का question. क्या क्या था? Five f of x plus three into f of 1 by x is equal to x plus 2. फिर क्या किए थे? ऐसा क्वेश्चन हुआ था फंक्शन में. Find f of x था. क्या किए थे? याद है? फॉर्मेट सब याद रखो. Replace x as 1 by x. तो ये होगा 5 टाइम्स ऑफ f ऑफ 1 बाय x प्लस 3 टाइम्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 1 बाय x प्लस 2. मुझे f ऑफ 1 बाय x को एलिमिनेट करना है. तो इक्वेशन 1 के साथ में 5 मल्टीप्लाई करूंगा, इक्वेशन 2 के साथ 3 मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे. सो दैट ये कैंसिल होगा. ये 5 मल्टीप्लाई हुआ, इसमें 3 मल्टीप्लाई हुआ, दोनों का कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा. देन दिस टू गॉट कैंसिल्ड. ये 25 हुआ, ये 9 हुआ. 25 माइनस 9 कितना? 16 f ऑफ x बिकेम इसका 5 टाइम्स 5x, इसका 3 टाइम्स माइनस 3 बाय x. ये 10, ये 6, 4. आम आई करेक्ट? मुझे चाहिए y is equal to x into f of x. y is equal to x into f of x. x into f of x क्या होगा? This one you can write 5x square minus 3, sorry, minus, plus 4x minus 3 upon x. तो x into f of x, इसको cross multiply कर दो. x into f of x क्या होगा? 1 by 16 5x square plus 4x minus 3. मुझे dy by dx चाहिए. इसका derivative 1 by 16 5x square का derivative 10x plus 4. dy by dx at x equal to 1 by 4 चाहिए. नहीं, x equal to 4 चाहिए. तो क्या होगा? 44. समझाइए. राइट डाउन.
देन find out this. Any idea?
नहीं ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करोगे? ये जो F-1 इसका रिजल्ट क्या होगा, मतलब आउटकम क्या है? F-1 का मतलब क्या होता है? F(x) को डिफरेंशिएट करो, x की जगह 1 डालो, तो ये तो एक कांस्टेंट दिलाएगा ना। लेट F-1 इज इक्वल टू ए, F"2 इज इक्वल टू बी, F"3 इज इक्वल टू सी। तो आपका F(x) क्या हो गया? X³ प्लस AX² प्लस BX प्लस C, ये आपका F(x) हो गया। आपको इनफैक्ट ABC का वैल्यू चाहिए, ABC मिल जाएगा तो यू विल गेट F(x). बट इज योर F-x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 3X² प्लस 2x प्लस बी। व्हाट इज योर F"x, इसका डेरिवेटिव कितना होगा? 6x प्लस 2a। व्हाट इज योर F"x, 6 मिलेगा। तो F"3 क्या होगा? F"x इक्वल टू 6, तो F"3 कितना होगा? 6 होगा, तो F"3 तो C, तो आपको C का वैल्यू मिल गया। और इधर F"2 F"2 का वैल्यू कितना? 12 प्लस 2 है, दैट इंप्लाइज F"B, B इज इक्वल टू 12 प्लस 2 है, इंप्लाइज 2A माइनस B इज इक्वल टू 12। व्हाट इज योर F-1? F-1 का वैल्यू कितना? 3 प्लस 2a प्लस b, F-1 इज इक्वल टू a, F-1 इज इक्वल टू a, तो a इक्वल टू 3 प्लस 2a प्लस b इंप्लाइज ए प्लस बी इज इक्वल टू -3। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ ए प्लस बी इज इक्वल टू -3, देन 3 इज इक्वल टू 9, ए इक्वल टू 3, ए 3 होगा तो बी कितना होगा? -6। तो ए मिल गया, बी मिल गया, सी भी मिल गया, तो F(x) क्या होगा? X³ प्लस F-a, मतलब a इंटू X² ए की जगह 3X² लिखोगे, प्लस BX दैट इज -6X प्लस C प्लस 6। समझाइए। राइट,
one more different type question. Solve this one. Any idea? आपका f dash x equal to g of x and f double dash x plus f of x equal to zero. इसको differentiate करो. एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, जी डैश एक्स इसमें डालो तो जी डैश एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो. ये भी एक रिजल्ट, ये भी एक रिजल्ट, ये सब आपके पास रिजल्ट्स है. नाउ एच ऑफ एक्स गिवन एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस जी ऑफ एक्स का स्क्वायर. जस्ट फाइंड आउट एच डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डब एफ डैश एक्स प्लस टू जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स, करेक्ट.
of x, okay, which is 2 f of x into f dash x plus 2 g of x के जगह आप लिख सकते हो f dash x into g dash x. G dash x you can write minus of f of x. So this became 2 f of x f dash x minus 2 f of x f dash x. These two got cancelled. जब h dash x 0 हुआ तो h of x क्या होगा? एच ऑफ एक्स क्या होगा? किसका डेरिवेटिव जीरो होता है? कांस्टेंट, वे कांस्टेंट फंक्शन. लेट एच ऑफ एक्स को मैं लैम्डा ले रहा हूं. एच ऑफ 7 10 दिया गया. That means because of constant function, so h of 7 same as h of 14. H of 7 का value जितना होगा, h of 14 का भी value वही होगा, and answer became 10. कोई भी x के लिए आपका y का value 10 होगा. This is the answer. समझाइए. Right.